4000 आवर वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर। एक साल के अंदर यानी कि लास्ट 365 दिन के अंदर अगर आपने कंप्लीट नहीं कर पाए तो अब तक YouTube में आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे। सो अभी ये 4000 आवर वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर भी थोड़ा बहुत सख्त कर दिया गया है। इसमें आया है थोड़ा चेंजेस, तो क्या चेंजेस है वो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। सो अगर आप एक यूट्यूबर है, अगर आपने नया नया चैनल खोले हैं, आप अगर YouTube रूल्स के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप YouTube रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं। सो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि YouTube में अभी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको लास्ट 365 दिन के अंदर 4000 आवर वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करना पड़ता था। सो अभी 4000 आवर वॉच टाइम अगर आप कंप्लीट कर रहे हो तो यहाँ पे आपका 4000 आवर वॉच टाइम को पब्लिक आवर्स चाहिए था। पब्लिक आवर्स मतलब क्या है, मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप किसी वीडियोस को अनलिस्टेड करके रखे हो, किसी वीडियोस को प्राइवेट करके रखे हो या किसी भी वीडियो को आपने डिलीट कर दिया हो तो उस सारे वीडियोस का जो व्यूज होता था, वॉच टाइम होता था, वो काउंट नहीं होता था। और अगर आपने किसी वीडियो को गूगल एडवर्ड्स के थ्रू प्रमोट किया है तो उसका जो व्यूज आता था, ह्यूज व्यूज आ जाता था, लेकिन उसका जो व्यूज था वो भी काउंट नहीं होता था। ठीक है, ये अब तक था तो ये ठीक है। लेकिन अभी ये 4000 आवर वॉच टाइम में थोड़ा बहुत चेंजेस आया है। क्या चेंजेस, कि अगर आपने YouTube में शॉर्ट्स, देखिए YouTube शॉर्ट्स एक लॉन्च किया है YouTube ने, YouTube शॉर्ट्स अगर आप बनाओगे तो YouTube शॉर्ट्स आपके वीडियोस से, YouTube वीडियोस से काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अगर आपके वीडियोस पे मतलब एवरेज व्यूज आता है 100-200, तो अगर आप YouTube शॉर्ट्स बनाओगे तो उसमें मतलब 1K 2K व्यूज आ ही जाता है। लेकिन YouTube शॉर्ट्स वीडियो पे आपका जो व्यूज आता था उसका वॉच टाइम YouTube में काउंट नहीं होता था, अगर वो शॉर्ट्स से देखता था तब। अगर कोई आपके चैनल पे जाके शॉर्ट्स देखता था तो उसका वॉच टाइम काउंट होता था। लेकिन अभी आज के डेट के बाद से, यानी कि 4 मार्च 2021 के बाद से, आपके चैनल पे अगर शॉर्ट्स है और आप अगर बड़े वीडियोस भी बनाते हो तो शॉर्ट्स वीडियो में आपके चैनल पे जाके अगर कोई देखेगा तो भी उस शॉर्ट्स वीडियो में वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। ठीक है, मतलब शॉर्ट्स वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो जाएगा तो यहाँ पे हो सकता है कि शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू आपका सब्सक्राइबर गेन हो जाए। ऐसा मतलब करने के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो बना सकते हो, लेकिन शॉर्ट्स वीडियो का कोई भी व्यूज यहाँ पे, कोई भी वॉच टाइम यहाँ पे काउंट नहीं होगा। ठीक है, और एक चेंजेस आया है कि अगर आपने 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हो तो यहाँ पे यूट्यूब में एक स्टोरीज टैब दिया जाता है। स्टोरीज में क्या करते हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर वो करते हैं कि स्टोरीज में किसी भी बड़े वीडियोस का छोटा सा एक समारी कह देते हैं कि इस वीडियो में मैंने ये दिखाया है, अगर आपने देखना चाहते हो तो ऊपर वीडियो पे लिंक के क्लिक करो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का स्टोरी होता है, ऊपर एक वीडियो है, उस वीडियो पे अगर क्लिक करते हैं लोग तो बड़े वीडियोस पे चले जाते हैं। तो स्टोरीज पे व्यूज आता था, स्टोरीज पे थोड़ा बहुत मतलब व्यूज है उसका वॉच टाइम काउंट हो जाता था, और स्टोरीज के थ्रू बड़े वीडियोस पे चला जाता था तो उस वीडियोस में भी मतलब उस वीडियो का जो व्यूज है वो भी काउंट हो जाता था। लेकिन अभी स्टोरीज के थ्रू अगर कोई बड़े वीडियो पे जाएगा तो उस बड़े वीडियो पे जो भी व्यूज आएगा उसका वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। हाँ, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि प्रमोशन वगैरह करते हैं, स्टोरीज में प्रमोट कर देते हैं कि ये इस वीडियो का भाई का लिंक है, यहाँ पे जाके उसका वीडियो देखो, तो उस मतलब उसके चैनल पे चला जाएगा, लोग देखेगा, लेकिन उस वीडियो में जो व्यूज आएगा उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। हाँ, सब्सक्राइबर थोड़ा गेन हो सकता है लेकिन वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। सो मोनेटाइजेशन के लिए 4000 आवर वॉच टाइम जो कि एक साल के अंदर हम लोगों को लाना पड़ता था वो अभी और भी सख्त हो गया है। तो जो भी न्यू यूट्यूबर है जो कि अभी 4000 आवर वॉच टाइम एंड 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं कर पाए हो तो उन लोगों को और भी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, सो हार्ड मत मान लेना, हौसला रखो, हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अपलोड करो, कॉन्सिस्टेंसी बजाय रखो तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यही है थोड़ा चेंजेस यूट्यूब का 4000 आवर वॉच टाइम में। अगर वीडियो को अच्छा लगा, थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, उसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड यह आपको सब कुछ मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।